हाँ भेज दीजिए। सॉरी। वेलकम श्याम। अपनी औलाद के लिए थोड़ा वक्त होगा आपके पास? आप शायद भूल रहे हैं कि आजकल औलाद के पास वक्त नहीं अपने माँ बाप के लिए। लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पे। हमने मजबूर किया? ओके, मैं यहाँ ये बहस करने नहीं आया। हम जानते हैं आप किस लिए आए हैं। आप कैसे जानते हैं? इसलिए कि आप जैसी औलाद को सिर्फ लालच और जरूरत माँ बाप के पास खींच के लाती है। जरूरत मेरा हक है, या कोई और है जिसे मेरा हक देने का इरादा रखते हैं आप? काश होता। हम तो एक मिनट ना लगाते और सब कुछ उसके नाम कर देते। और अल्लाह को क्या मुंह दिखाते हैं मेरा हक मार के? अपने हुकूक का बहुत मालूम है आपको, अपने फराइज का नहीं मालूम। तुम्हें यह नहीं पता कि माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं। माँ बाप को छोड़कर जाकर गैरों के घर में रहने लगे, और ये जानते हुए कि आप हमारी इकलौती औलाद। हाँ तो आप लोग कौन सा अकेले हैं? सारा घर भरा हुआ है। खैर, मैं इस वक्त सिर्फ वलीमे की रकम देने आया हूं। शादी खुद की थी ना, जाइए वलीमा भी खुद कर लीजिए आप। शादी अमल के फादर ने की थी, मैं वलीमा करना चाहता हूं। कीजिए, जरूर कीजिए, बल्कि अगर आप कहते हैं तो आपके वलीमे की सारी तैयारियां हम खुद करेंगे। लेकिन एक शर्त है, आपके वलीमे में आपकी ससुराल से कोई शामिल नहीं होगा। सीरियसली, ये कैसी फजूल शर्त है? क्यों, सारे फजूल काम आपके ससुर कर सकते हैं? तो आप पैसे नहीं दे रहे? हरगिज़ नहीं। आज आपने अपना बेटा खो दिया। हमने आपको बहुत पहले खो दिया था।